हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, इसकी परीक्षा की तिथि है दिसंबर 2020 में इसका एग्जाम है जो कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। ये आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? जो कंठ से बोली जाती हैं वो ध्वनियां कौन सी हैं? गा और खा। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से हैं। कहने का मतलब है कि मुंह से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? डा और ढा से ढक्कन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो अल्पप्राण वर्ण होंगे फा और भा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से, यानी कहने का मतलब है कि ना से बोले जाने वाले व्यंजन, ना, न्या, या, ऑप्शन वी, या। तो या जो है आपका ये नाक से बोले जाने वाला व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अय अय वर्ण क्या कहलाते हैं? जो ए और अय ये वर्ण नासिक, मूर्धा, होस्ट, कंठ तालु पे किसे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठ तालु से। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन कौन से हैं? अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अयोग वाह वर्ण अंग और अहा। ये आपको ध्यान रखना कि अयोग वाह वर्ण होते हैं अंग और अहा। अगला क्वेश्चन, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली, दिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सा, सा षट्कोण, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी। जब आप इन शब्दों को बोलेंगे तो संघर्ष लगता है। सा, शा, सा, हा, यानी मेहनत लग रही हो, संघर्ष करना पड़ रहा हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां खा और गा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन सी मा, ये देखिए आपका ये घोष वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण की बात कर रहा है तो अमानक वर्ण हो जाएगा ऑप्शन सी भा। का, गा, जा और फा ये ध्वनियां किसकी हैं? का, गा, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं? ये ध्वनियां हैं अरबी फारसी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ये होती है 52। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?
किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है, आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। ज्ञासे ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? किन वर्णों के संयोग से ये बना है? ये बना है जा प्लस या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की बात कर रहा है, अघोष वर्ण कौन सा है? सा। अगला क्वेश्चन देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, तो देखिए घा जो बोला जाता है आपके कंठ से बोला जाता है घा, तो ये कंठ से शब्द निकल रहा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, ज्ञासे ज्ञानी ये संयुक्त व्यंजन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतस्थ नहीं है? ऑप्शन डी टा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत, ऑप्शन जो डी है आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श वर्ण किसके योग से बना है? तो किसके योग से बना है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, का प्लस शा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वरों की कुल संख्या होती है 13। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन डी या, ये स्वर नहीं है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? कौन टा वर्ग नहीं है? खा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या होती है ऑप्शन सी 33। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? बड़ा आ, ये आपका पश्य स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है? अयोग वाह की बात कर रहा है कि कौन सा अयोग वाह है? विसर्ग, ये आपका अयोग वाह हो जाएगा। छा से छाता ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छा है जो, छा किससे बोला जाता है? तो छा बोला जाता है तालुब्य से, आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन बी शा से षटकोण, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, तालुब्य व्यंजन है, तालुब्य व्यंजन है, ऑप्शन ए चा छा जा और झा, ये तालुब्य व्यंजन हो जाएंगे आपके। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा, तो यार अलावा ये किससे बोले जाते हैं? तो यार अलावा बोले जाते हैं अंतस्थ, ये हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। अगला है क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है ऑप्शन सी 11। तो गाइस, ये थे आपके सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला के टॉप 37 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।